स्कंद पुराण में लिखा है, दिन भर की आयु क्षीण होती चली जाती, नारी ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेती है। हाँ, ज्येष्ठ में अगर बेटी है तो उसका नाम ले सकती है, और ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तन से, मन से या धन से, वो बालक हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम दुनिया का सारा सपोर्ट कर दो, तुम चाहे अपनी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम कर दो, तुम चाहे पूरा दुनिया भर का सुख अपने बेटे के सामने लाकर खड़ा कर दो, तो भी अगर माँ अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से दुखी ही मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता। और जिन जिन के घर में बड़ा पुत्र हो और बड़े पुत्र का नाम आप माताएं लेती हो तो उसकी दशा जरूर देख लेना एक बार। कथा गलत नहीं कह सकती, स्कंद पुराण कभी गलत नहीं जा सकती। आपके घर में भी अगर बड़ा पुत्र हो और पुत्र का नाम अगर आप ले रहे हो, हाँ ये जरूर है, अगर बेटी बड़ी है उसके बाद पुत्र बड़ा है तो ज्येष्ठ नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र, उसके बाद सारे बच्चों का जन्म हुआ, क्योंकि बेटी अगर जन्म ले ली पहले फिर बेटा हुआ तो बेटी ज्येष्ठ कहलाएगी, है बेटा नहीं कहलाएगी। अगर पहला ज्येष्ठ पुत्र है तो माँ सारी प्रॉपर्टी दे दे, सारा वैभव दे दे, माँ सारा दौलत दे दे, माँ उसके ऊपर सर्वस्व निछावर कर दे, पर अगर बेटे का नाम माता बार बार लेती है तो उस बेटे की उन्नति तरक्की नहीं हो सकती, उसको जीवन में सुख नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ चीज से वो दुखी रहेगा, चाहे वो बच्चों से रहे, पत्नी से रहे, परिवार से रहे, कुटुंब से रहे, व्यापार में रहे, व्यवसाय में रहे, ऑफिस में रहे, चाहे अपने शरीर से रहे, पर दुख तो उसके भाग्य में थोड़ा लिखा ही रहे। और जो चीज वेदव्यास जी ने वर्णन कर दी महाराज, उसका प्रमाण आप खुद भी अपने घर में देखो कि सही है कि गलत। जिस जिस घर में बड़ा पुत्र हो और माँ उसका नाम बार बार लेती हो, बार बार लेती हो, उस पुत्र की दशा देखिएगा आप। तन मन और धन तीन तरह से, इसलिए निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, आपका प्रेम बहुत है क्योंकि आपका बेटा बड़ा है, आपका पुत्र बड़ा है, आपका बहुत प्रेम है और बेटे का भी माता के प्रति बहुत प्रेम है, पर उस प्रेम में तुम्हारा जो संबोधन है बार बार नाम लेने का, उससे उसको तकलीफ हो सकती है, इसलिए निवेदन है। मेरे कृष्ण का नाम कृष्ण था और यशोदा कभी कृष्ण नहीं बोली है, कभी नहीं, यशोदा कभी कृष्ण नहीं बोली, कन्वा कहती थी। आपके बेटे का नाम कुछ भी आप उसको नाम से मत पुकारो, उसका नाम चेंज कर दो, थोड़ा सा बदल दो, आप उस नाम से उसको पुकारना प्रारंभ करो, आप जो भी बोलना चाहे, आपके दिल की बात है तो आपके पुत्र से आप क्या बोल सकते हैं। मेरी कौशल्या मैया राम को केवल राम ही कहती, केतई राघव कहती थी, सुमित्रा रघु कहती थी, पर कौशल्या नाम नहीं बदलती, और ज्येष्ठ पुत्र थे राम, बड़े थे, बड़े हुए वन जाना पड़ा, लौट कर आए, धोबी की वार्ता सुनकर सीता का परित्याग करना पड़ा, समय आया लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा, और समय आया तो ये शरीर को ही सरयू में छोड़ना पड़ा। कहां से स्कंद पुराण कहती है पति का नाम अगर नारी ले रही है तो दिल दिल भर उसकी उम्र घट रही है, पर ना जाने माताओं को ऐसा क्या है कि वो आज का फैसला हो गया, ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेने में उसकी समृद्धि, उसका जो वैभव है, उसका जो सुख है वो घट रहा है। जिस गुरु से गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र का स्मरण किया है, जिस गुरु से आपने गुरु मुख हुए हैं, जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने अगर मंत्र ले लिया, चार जगह पर बात निकले, कोई पूछ भी ले कि आपने गुरु मंत्र किससे लिया तो बता दो भैया, हम तो वहां गए थे, वहां का जो गुरु जी है उनसे हमने गुरु मंत्र लिया, वही हमारे गुरु है। नाम का स्मरण ना करते उसकी पहचान बताने का प्रयास करो, वो ऐसे वो वैसे वो वहां रहते, उसका स्मरण। गुरु का नाम लेने से क्या जाता है महाराज, शास्त्र कहता है गुरु जिसने मंत्र दिया उसका नाम मत लो, गुरु ने जो मंत्र दिया उसका नाम लो।